स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि साइन का यूज हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में साइन का यूज कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो साइन लेके चलते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस एंड इधर माइनस है, तो दोनों को हम लोग यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमने लिखा है प्लस इंटू प्लस, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करना है तो साइन क्या हो जाएगा। हम लोग कोई भी एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं एक चीज, प्लस थ्री मल्टीप्लाई प्लस टू, ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले थ्री टू जा सिक्स, यहां लिख दिया हमने, ठीक। अब रह गया साइन, ये साइन अगर दिया है तो क्या साइन का कोई वैल्यू है ना, कि साइन का कोई वैल्यू नहीं है। अगर साइन का वैल्यू है तो हम लोग प्लस और प्लस दोनों साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा है प्लस इंटू प्लस, तो इस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये हमने यहाँ पे लिखा प्लस सिक्स। अगर प्लस सिक्स आप नहीं भी लिखते हैं तो अगर साइन के पहले, सिक्स के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब हमेशा प्लस मानना चाहिए, माइनस को लिखना जरूरी होता है। तो अब देखिए इसको हम लोग दूसरे साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस थ्री और माइनस टू हमने एग्जाम्पल के लिया है, क्या हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए नंबरों को, मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे क्या आ गया, नंबरों को मल्टीप्लाई करने से थ्री टू जा सिक्स, और साइन को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। हमने लिखा है दोनों नंबरों अगर ये माइनस और माइनस सेम है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने पे क्या करते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस सिक्स हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे है माइनस इंटू प्लस और यहाँ पे लिखा है प्लस इंटू माइनस, तो दोनों सेम है, बट अगर दिखा आपको उल्टा दिखा तो भी सेम ही प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक माइनस थ्री इंटू प्लस टू, अपोजिट साइन है, माइनस थ्री इंटू प्लस टू हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, दोनों अपोजिट साइन है, तो पहले नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री टू जा सिक्स, और अपोजिट साइन है, हमेशा प्लस इंटू माइनस करते हैं। अगर नंबरों को साइन को, नंबर को सिंपली यूज करके आपने सिक्स लिखा और साइन को अगर यूज करते हैं तो माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, माइनस सिक्स। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है अगर प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू, यहाँ पर भी नंबरों को इंटू करेंगे तो सिक्स होगा और साइन किसका होगा, माइनस का होगा, हमेशा माइनस का यूज होता है दो साइन रहे तो मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मल्टीप्लीकेशन में बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको साइन का यूज बताया है, जो कि बहुत ही हेल्प मिलेगा आप लोग को मैथमेटिक्स में। और अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जरूर देखेंगे।